एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे एमएनएस जो एंट्रीज हैं आपकी वो कब से स्टार्ट होंगी। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो आपने फिल कर दिया होगा, जुलाई में ही फिल हो चुका था। तो सबसे आप बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है या मेरिट लिस्ट है जिसमें उन बच्चों को बुलाया जाता है जिनका नंबर लाइक ज़्यादा होता है या जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप तैयार रहो कि हाँ आपको बुलाने वाले ही हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो आपकी नोटिस वगैरह होगा वो इसी सेक्शन में आएगा। और अभी तो यहाँ पे सिर्फ आपका एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्सेज दिखा रहा है, पर अभी जो आपका मेन डाउट होगा कि आपका कब तक आ सकता है, तो वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो लास्ट ईयर में अभी आपको दिखा देती हूँ। लास्ट ईयर जो आपका मेरिट लिस्ट वगैरह आई थी वो आपकी अक्टूबर में आई थी, तो अभी अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सितंबर तक आपका एमएनएस का स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। और जो प्रोसेस होता है उसमें आपको एक ईमेल आती है, वो ईमेल उन बच्चों को ही आती है जिनका नेम मेरिट लिस्ट में आएगा। मेरिट लिस्ट में वो ज़्यादा बच्चों को बुलाते हैं, बट सिलेक्शन सिर्फ 220 बच्चों का ही होगा। और जो मेरिट लिस्ट में बच्चों के नाम आ रखे हैं उन सबको मेल जाता है, उन मेल का आपको रिप्लाई देना होता है, तभी वहाँ पे ये होगा कि हाँ ये बच्चा आने वाला है, ठीक है। और लास्ट ईयर की ये आई थिंक चैट है जहाँ पे एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा था। तो अगर आपको कोई डाउट वगैरह है एमएनएस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो आपके एमएनएस की टेस्ट सीरीज़ है और सीबीटी के लिए जो आपके पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम पे आपको एक आईडी और एक नंबर मेंशन होगा जहाँ पे आपको लास्ट ईयर के जो कट ऑफ है, लास्ट ईयर के जो आपके पीवाईक्यू हैं और आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो चाहिए ही चाहिए वहाँ पे वो आपको बताए जा रहे होंगे। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, सीबीटी बेस्ड जो टेस्ट सीरीज होगी आपकी, वो भी आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। सो मेनली बच्चों को डाउट होगा कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो अगर आपके मार्क्स 450 अबव है ना तो आप रुक सकते हो एमएनएस के लिए, बट ये है कि आपकी सीबीटी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए तभी आप एक चांस दे पाओगे इसको। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है और आपने नीट में इनफ स्कोर कर रखा है 403 समथिंग, तो आपको मतलब चांसेस हैं कि वो ले लेंगे, ठीक है। तो एनसीसी का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे।